नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। फ्रेंड्स, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम लोग इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम को कंपेयर करेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियो में मैंने फ्रेंड्स आपको इन्वायरमेंट और हैबिटेट का कंपेरिजन बताया था। यहाँ पे इन्वायरमेंट आपको समझ में आ चुका है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। उससे पहले वाली वीडियो को देखिए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ साथ इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या है, खासकर इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम का डिफरेंस, और इकोलॉजी बेसिकली क्या है। इकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडिंग द इंटरैक्शंस गोइंग ऑन इनसाइड एन इकोसिस्टम। तो ये सब पूरी चीजें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे टोटैलिटी में फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे दे रखा है। साथ साथ ये वीडियो हिंदी में फ्रेंड्स, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम हमारे नेचर का एक यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है, जहां पे लगातार कुछ फंक्शंस हो रहे हैं। क्या फंक्शंस हो रहे हैं कि भाई बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, वो आपस में लगातार एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और साथ साथ अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब पास में जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, वाटर है, ये सब हो गया आपके फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स, कंपोजर्स, डिकम्पोजर्स क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स जो कि चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर्वीवोर्स आर प्रोड्यूसर्स, उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। फिर जो प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया उसको खाना, तो वो हो गए आपके कंज्यूमर्स। और फिर जब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों मर जाते हैं, तो उनके मॉर्टल रिमोन्स को डिकम्पोज करना, वो हो गए डिकम्पोजर्स। तो ये सब एक साथ भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। साथ साथ वो अपने साथ के फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये पूरा सब कुछ कहाँ हो रहा है? इकोसिस्टम के अंदर। लेकिन मुझे पता है कि अभी भी आपका ये जवाब पूरा नहीं हुआ कि इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में क्या फर्क है। उस पर अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। थोड़ी देर बाद बस एक आंसर के साथ आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में क्या फर्क है। द मोमेंट आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में आपको क्या फर्क है, द बिगेस्ट क्वेश्चन जो बहुत लोगों को बफल करता है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के अंदर एक छोटा सा एक्वेरियम रखा हुआ है जिसमें कुछ मछलियां हैं, वो भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वो पानी का एक छोटा सा मैन मेड इकोसिस्टम बन गया है जिसमें कुछ मछलियां जिंदा है, बट वो है इकोसिस्टम। तो एक छोटे से एक्वेरियम से लेके, एक छोटे से पॉन्ड से लेके, एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट, एक बहुत बड़ा समंदर भी एक इकोसिस्टम बनाता है। सिमिलरली फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनाता है, डिजर्ट्स, ग्रासलैंड्स भी इकोसिस्टम बनाते हैं। तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डिजर्ट्स, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं। और फिर अगर आप बात करोगे पॉन्ड की, लेक की, वेटलैंड की, रिवर की, एस्चुरीज की, तो ये हो जाएंगे आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वेटिक इकोसिस्टम्स में भी आपके मरीन इकोसिस्टम होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होते हैं। तो ये जो पॉन्ड हो गए, लेक हो गए, वेटलैंड हो गए, ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स हो जाते हैं, रिवर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स है, ओशंस आपके मरीन इकोसिस्टम है। ठीक है, तो इनके बारे में मैं बात करूंगा जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम्स की बात करूंगा, जहां पे मैंने इकोसिस्टम का पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन दिखाया एग्जांपल्स के साथ, तो वहां पे हम देखेंगे। फिर क्रॉप फील्ड्स भी इस तरीके का इकोसिस्टम है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सब इकोसिस्टम्स है। अब इकोसिस्टम में भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, लिंक्ड हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल बनी हुई है, एनर्जी फ्लो कर रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, न्यूट्रिएंट रिसाइकिल कर रहा है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट को साइकिल कर रहा है, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल काफी हद तक इस तरीके से ऑपरेट करती है। ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा है इकोसिस्टम के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंट के अंदर में हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इकोसिस्टम इन्वायरमेंट से डिफरेंट कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, इकोसिस्टम की जो सबसे बड़ी डेफिनेशन वो ये है कि एवरीथिंग दैट लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द अदर स्पेशीज एंड एलिमेंट्स दैट आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट इकोलॉजिकल कम्युनिटी। इफ वन पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इज डैमेज्ड और डिसअपीयर्स, इट हैज इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग एल्स। यानी कि इकोसिस्टम के अंदर जो कुछ भी है वो सब आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी अगर वहां पे कोई एक स्पेशीज गायब होती है या उस इकोसिस्टम के किसी एक एलिमेंट को डैमेज पड़ता है, तो उसका इफेक्ट दूसरे एलिमेंट पे पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पॉन्ड इकोसिस्टम की बात कर लीजिए, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में फ्रेंड्स अगर छोटे प्लैंकटन्स गायब हो जाएं, तो जो मछलियां हैं ना वो मरने लगेंगी। क्यों? क्योंकि वो मछलियां प्लैंकटन्स को खाती हैं। ठीक है, तो अगर प्लैंकटन्स खत्म हुए तो वो मछलियां मरने लगेंगी। यानी एक चीज के डिस्ट्रॉय होने से दूसरी चीज पे बहुत फर्क पड़ने वाला है इकोसिस्टम्स के अंदर। और इन्वायरमेंट इतना बड़ा होता है फ्रेंड्स
कि एक चीज के गायब होने से बाकी चीजें कुछ हद तक उस लॉस को कंपनसेट कर देती हैं, पर इकोसिस्टम इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो ये फर्क है, इस फर्क को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। इकोसिस्टम में एक चीज में चेंज आ जाने से दूसरी चीज पे चेंज आना बहुत नॉर्मल है और वो आएगा ही आएगा। फिर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपका ग्रासलैंड आ गया, फॉरेस्ट आ गया, डिजर्ट आ गया, एक्वेटिक में मरीन आ गया, फ्रेश वाटर आ गया। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पर मैंने पूरी अलग से एक वीडियो बना रखी है। फिर अगर आप इकोसिस्टम को एनवायरनमेंट से डिस्कस करो तो एनवायरनमेंट में पहले भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे भी हल्का फुल्का रिवीजन दे देता हूँ कि एनवायरनमेंट वो नेचुरल कंपोनेंट है जहाँ पे बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी हद तक इकोसिस्टम में भी हो रहा है। ठीक है, और ये जो इंटरेक्शंस होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर यही हैबिटेट्स और इकोसिस्टम्स को शेप करते हैं, यानी हैबिटेट एंड इकोसिस्टम आर मच स्मॉलर देन एनवायरनमेंट। यानी कि अगर एनवायरनमेंट ये है तो आपका इकोसिस्टम ये है और इकोसिस्टम के अंदर हैबिटेट ये है। कहीं कहीं पे आपका हैबिटेट इकोसिस्टम से बड़ा भी हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज में ना जाते हुए जो मैं बताना चाह रहा हूं उसके बेस को आप समझने की कोशिश करिए। फिर बायोलॉजिकल सेंस में आप देखोगे फ्रेंड्स, तो इन्वायरमेंट में आपके फिजिकल न्यूट्रिएंट्स, बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स और केमिकल इंटरेक्शन सब आपस में एक दूसरे के साथ काम करके किसी एक ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट कर रहे हैं। फिजिकल में आपके आ जाएंगे वाटर, एयर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। बायोलॉजिकल में आपके आ जाएंगे बायोमोलिकुल्स, ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, जानवर हो गए, हाथी, चूहा, शेर, बिल्ली, कुत्ता, कुछ भी कह लीजिए। और फिर केमिकल इंटरेक्शन में आपका कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, तो ये सब इन्वायरमेंट के अंदर में आ रहा था, ये सब आपका इकोसिस्टम में अंदर भी आ रहा था। और इकोसिस्टम इन्वायरमेंट में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया कि इकोसिस्टम में अगर एक एलिमेंट में फर्क पड़ेगा तो उसका फर्क दूसरे एलिमेंट पे साफ साफ नजर आएगा। इन्वायरमेंट इतना बड़ा होता है कि ये उतना नजर नहीं आता है। अब हम इकोलॉजी की बात करेंगे। इकोलॉजी की सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद वन अनदर एंड विद फिजिकल एंड केमिकल इन्वायरमेंट। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, ये आपके इकोसिस्टम में आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, साथ साथ अपने फिजिकल इन्वायरमेंट साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, केमिकल इन्वायरमेंट साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, तो इस इंटरेक्शन की साइंटिफिक स्टडी को आपको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। और इस साइंटिफिक स्टडी में बहुत सारी जेनेटिक्स आ जाएगी, बहुत सारी बायोलॉजी आ जाएगी, बहुत सारी इवोल्यूशन की थ्योरी आ जाएगी, काफ़ी बड़ी स्टडी हो जाती है इकोलॉजी की। और इस इकोलॉजी की स्टडी में हम बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी पढ़ते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, और बहुत सारे तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को देखते हैं ताकि बहुत सारे इनोवेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज को इस्तेमाल करके हम लोगों की ज़िंदगी आसान कर सकें और अपनी ग्रोथ को थोड़ा सा सस्टेनेबल कर सकें। अब इकोलॉजी के साथ आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हो फ्रेंड्स, मेरी आर्ट ऑफ चीज़ें जोड़ सकते हो, क्योंकि इकोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ है और आने वाले टाइम में इकोलॉजिकल स्टडीज़ को बहुत मान्यता प्रदान की जा रही है, क्योंकि इन्वायरमेंट को बहुत इमिनेंट थ्रेट है ग्लोबल वार्मिंग से, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस का इमिशंस बढ़ रहा है, तो इकोलॉजिकल स्टडीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है आज के डेट में। फिर इकोलॉजी को पढ़ने के लिए हर तरीके के एक्सपेरिमेंट्स पर रिलाई किया जाता है, चाहे वो एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में हो रहा हो, चाहे वो एक्सपेरिमेंट ऑन फील्ड हो रहा हो। ठीक है, और ये टेक्निक्स काफ़ी काम आती हैं इकोलॉजिकल थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो हमको मदद करती हैं कि हम कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस ले सकें अपने नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे आपको इकोलॉजी नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इकोलॉजी का एप्लीकेशन आपका सोलर एनर्जी में भी हो रहा है, हाइब्रिड व्हीकल्स में भी हो रहा है, विंड एनर्जी में भी हो रहा है, हर जगह पे आपका इस इकोलॉजी का आपको एप्लीकेशन नज़र आ रहा है, वाटर एनर्जी के केसेस में भी होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए फ्रेंड्स, इकोलॉजी रिफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिस्ट रिसर्च एवरीथिंग फ्रॉम टाइनी बैक्टीरिया सोर्स इन न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी ये कहना चाह रहा है कि इकोलॉजिकल स्टडीज का जो स्कोप है बहुत वाइड है, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज तक लिमिटेड नहीं है। यानी कि एक बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग में किस तरीके से मदद कर रहा है, इस चीज को स्टडी करने के साथ साथ जो बड़े बड़े इकोसिस्टम है जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उन तक को स्टडी किया जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर तक को स्टडी किया जाता है, छोटी से छोटी चीज तक को स्टडी किया जाता है। और इकोलॉजी इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटलिज्म या इन्वायरमेंट साइंस नहीं है। देखिए इन्वायरमेंटल साइंस करके भी एक सब्जेक्ट है, बट दैट इज नॉट इकोलॉजी, क्योंकि इकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं, जिसमें फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बिहेवियर, बायोलॉजी, जूलॉजी, पता नहीं क्या क्या इंक्लूडेड है। यानी इकोलॉजी केवल एक डोमेन तक लिमिटेड नहीं है, उसका स्कोप बहुत ज़्यादा डोमेन्स तक लोकेटेड है। ठीक है, और इन्वायरमेंटल साइंस उसके हिसाब से बहुत छोटा है। अब कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ सकते हो कि इकोलॉजी में क्या क्या आता है, तो लाइफ प्रोसेसेस को कैसे किया जाता है, उसके अडाप्टेशंस क्या होते हैं, फिर
डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, क्यों वो इतने अबंडेंट हैं। फिर मटेरियल्स और एनर्जीज कम्युनिटीज़ के बीच में किस तरीके से मूवमेंट करती हैं उसको देखेंगे। फिर इकोसिस्टम सक्सेसिवली किस तरीके से डेवलप हुए इसको देखेंगे। फिर बायोडाइवर्सिटी का अबंडेंस और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट में किस तरीके से हुआ है इसको देखेंगे। तो इकोलॉजी में आप समझ सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली स्टडी किया जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो ने थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किए हों इकोलॉजी, इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट से रिलेटेड। फ्रेंड्स अगर पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।